हेलो एंड वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल फ्रेंड्स। दोस्तों आज हम कार्जुन आए हुए हैं, जहाँ पे दोस्तों आज एक फोर्ड फिगो आई हुई है जिसमें कि इंटीरियर मॉडिफिकेशन का दोस्तों कुछ काम हुआ है, जो कि आज हम लोग अपने इस वीडियो में देखने वाले हैं। इस गाड़ी के ऊपर आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हम आपको बता दें कि कार्जुन में दोस्तों आपकी गाड़ी के लिए सारा एसेसरीज अवेलेबल है, जो भी आप अपनी गाड़ी में लगवाना चाहें, चाहे वो गाड़ी के लिए आपका एक परफ्यूम हो, सीट कवर हो, टॉवल हो, आपके बैक का जो बम्पर गार्ड होता है वो हो, आपकी गाड़ी के लिए ऑडियो सिस्टम हो, या आप अपनी गाड़ी में डैमेज कराना चाहते हो, आपकी गाड़ी का दोस्तों सारा एसेसरीज कार्जुन में अवेलेबल है। कार्जुन में दोस्तों अब इंटीरियर मॉडिफिकेशन का भी काम होता है, जिसमें कि दोस्तों आप अपने पूरी गाड़ी को चाहे रैप करवाना चाहें या किसी तरह का कोई मॉडिफिकेशन कराना चाहें, वो भी आप कार्जुन आ करके करवा सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बस आपको छोटा सा शॉर्ट वीडियो दिखाना चाहते हैं कि कार्जुन में जो काम हो रहा है वो कैसा काम हो रहा है। इस वीडियो में दोस्तों ये जो गाड़ी है इसमें इंटीरियर मॉडिफिकेशन का काम किया गया है, जिसमें कि दोस्तों स्टीयरिंग को रैप किया गया है, जो अपने ए पिलर बी पिलर होते हैं उसको रैप किया गया है, रूफ को रैप किया गया है अंदर बाहर दोनों तरफ से, और प्रोजेक्टर हेडलैम्प भी लगाया गया है दोस्तों। आइए तो चलिए अब हम लोग इस गाड़ी के ऊपर बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस गाड़ी में जो काम किया गया है दोस्तों वो कैसा किया गया है। और अगर दोस्तों आपको उस गाड़ी में जो काम किया गया है वो अच्छा लगे तो आप भी कार्जुन विजिट कर सकते हैं और अपनी गाड़ी पे ऐसा ही जो भी आपको जिस तरह काम करवाना हो आके आप करवा सकते हैं। ये जो गाड़ी थी दोस्तों ये काफ़ी पुरानी थी, और इसके जो ओनर थे दोस्तों उन्होंने इस गाड़ी को रिस्टोर करने का प्लान किया था, इसलिए वो कार्जुन विजिट किए। उनको दोस्तों इस गाड़ी के लिए जो जो चीज़ करना चाहिए था रिस्टोर करने के लिए वो चीज़ इस गाड़ी के लिए रिकमेंड किया गया उनको, और उनको ये सारा चीज़ अच्छा लगा इसलिए वो सारे काम वो करवाए। आपको दोस्तों हम बता चुके हैं कि इस गाड़ी में कौन कौन सा काम हम लोगों ने किया। बाकी इस गाड़ी को जो दोस्तों हम लोग रैप करना जब शुरू किए तो उसके लिए हम लोग ने दोस्तों इस गाड़ी के छत को उतारा, ए पिलर बी पिलर खोला, इसके जो जो पार्ट थे जो जो काफ़ी पुराने होने के बाद उनका कलर फेड हो चुका था, उन उन पार्ट्स को हमने पेंट किया, जैसे कि ग्रैब हैंडल हो गया, आपका डोर पे जो डोर पैड होता है वो सब। बाकी जो इस गाड़ी में पूरा काम किया गया उस पूरे प्रोसेस को आप लोगों को दोस्तों हम जल्दी में थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके इस वीडियो में दिखाना चाहेंगे। तो चलिए हम लोग इस पूरे वीडियो को देखते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि कार्जोन पे जब भी आप काम करवाते हैं तो आपके गाड़ी पे जो वर्कर काम करते हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड और स्किल्ड होते हैं, ताकि वो आपकी गाड़ी पे जब काम कर रहे हो तब आपकी गाड़ी को वो हार्म ना करें और किसी भी पार्ट को वो खोलते वक्त या लगाते वक्त डैमेज ना करें। इस बात का दोस्तों पूरे अच्छे से ध्यान रखा जाता है। जब भी आपकी गाड़ी में कार्जुन पे काम हो रहा होता है तो आपकी गाड़ी पे जो लोग काम कर रहे होते हैं उनके ऊपर जो उनके सीनियर होते हैं वो उनको ऑब्जर्व करते रहते हैं कि आपकी वो गाड़ी को किसी भी तरह का डैमेज ना पहुँचाएँ। देख सकते हैं आप इस वीडियो में कि जो वर्कर है वो कितने अच्छे से और कितने जल्दी जल्दी सारे पार्ट्स को खोल रहे हैं, क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि किस पार्ट को कैसे खोलना है। grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. See, 'cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong? What fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself. चलिए दोस्तों अब हम लोग इस गाड़ी का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है,
हम लोग इस गाड़ी को दोस्तों देखते हैं कि इस गाड़ी में जो काम हुआ कैसा हुआ है। सबसे पहले हम लोग इसके रूप से देखना चाहेंगे दोस्तों। आपको बताया थे कि इस गाड़ी का जो रूफ है दोस्तों उसको रैप किया गया है ब्लैक से, मैट ब्लैक में। देख सकते हैं दोस्तों इस गाड़ी का जो रैपिंग है वो कितना अच्छा फिनिश के साथ किया गया है गाड़ी को रैप। बाकी अब अगर हम इसके आगे की ओर चले तो देख सकते हैं इसके फ्रंट में हम लोगों ने इसका प्रोजेक्टर हेडलैम्प इंस्टॉल किए हैं, जो कि बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है इस गाड़ी को। और जो फिनिश है, फिट एंड फिनिश, वो भी बहुत अच्छा आया है इस गाड़ी पर। अब हम लोग अगर इस गाड़ी के इंटीरियर्स की बात करें तो इसके डोर से शुरू करना चाहेंगे। तो आप देख सकते हैं डोर पे दोस्तों जो सिल्वर पैड है, ये सिल्वर पैड को पेंट किया गया है, और देख सकते हैं यहाँ पे लेदर से इसको रैप किया गया है। सीट कवर्स दोस्तों इस गाड़ी में पहले से लगा हुआ था। हमने इस गाड़ी में स्टीयरिंग व्हील को रैप किया है। देख सकते हैं स्टीयरिंग व्हील जो रैप किया है उसका कितना अच्छा फिनिश आया है। गियर नॉब जो है उसको भी हमने एक कवर सा डाला है उसका, और हैंड ब्रेक पे भी हमने कवर डाला है। बाकी आप देख सकते हैं इसका जो रूफ है उस पर कितना अच्छा फिनिश आया है निकल सकते हैं, देख सकते हैं आप। हाँ, हम गाड़ी के अंदर बैठ करके अब देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसका जो पिलर्स है दोस्तों, इस पिलर्स को भी हमने रैप किया है। इसका कि फिनिश बहुत अच्छा निकल कर आया है। हमने दोस्तों इसका जो ग्रैब हैंडल है उसको पेंट किया है, देख सकते हैं आप। एक बार स्टीयरिंग व्हील की तरफ जाएंगे, देखिए कितना अच्छा उसका फिटिंग आया है। इस गाड़ी में दोस्तों हमने जो परफ्यूम और ये भगवान का मूर्ति है ये भी इंस्टॉल किया है। ये जो ब्लैक आउटलाइन आप देख रहे हैं इसको भी हमने पेंट किया है, और ये जो सनलाइट है इस पर भी हमने रैप किया है। चारों डोर्स पे दोस्तों हमने रैप किया है और सिल्वर से ऐसे पेंट किया है, देख सकते हैं। बाकी जो हमारा बूट में पार्शियल ट्रे होता है, देख सकते हैं जो ट्रे है, इस ट्रे को भी हमने दोस्तों रैप किया है, देख सकते हैं। इसका भी फिनिशिंग बहुत अच्छा निकल के आया है। बाकी दोस्तों अगर आप ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस करना चाह रहे हो तो आप एक बार अपनी गाड़ी को लेकर के कार्जून जरूर विजिट कीजिए।